Hey guys, Assalamualaikum. I'm doing great and hopefully आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे. वेलकम टू अनदर वीडियो. और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हेयर कलरिंग. मैं अपने बालों को डाई करने जा रही हूँ. आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. इट्स अबाउट माई हेयर कलर कि किस तरह से मैं घर में बैठ के अपने बाल डाई करती हूँ. लिटरली मैं आज तक बालों के लिए सैलून नहीं गई कि भाई जाके मैं डाई करवा के आती हूँ. नो, डोंट डू दैट. और मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर कोई आपको सैलून वाली कहती है ना कि प्लीज़ कट डाउन करवा लें, तो यार मत करवाएं कट डाउन. लिटरली आपके बाल डेड हो जाते हैं, बिल्कुल डेड हो जाते हैं. उनमें वो लाइफ ही नहीं रहती, लगता ही नहीं है कि कोई बाल है, झाड़ू हो जाते हैं बिल्कुल. तो यार कट डाउन मत करवाएं. और वॉल्स वाला आ गया क्योंकि उसको पता चल गया है कि कायनात वीडियो बना रही है तो मुझे जाना है. वीडियो में मैं आपको फुली डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ कि कौन सा हेयर कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, कौन सा ब्रांड है और एग्जैक्ट शेड कौन सा है. तो सब कुछ डिटेल में मैं आपको शुरू से एंड तक बताने वाली हूँ. तो सीट पकड़ के बैठ जाएं और पूरी वीडियो देखें शुरू से एंड तक. इफ़ यू आई वॉन्ट टू नो कि किस तरह से घर पर बैठ के मैं अपने बाल डाई करती हूँ और अपने पैसे बचाती हूँ, और अगर आपने भी अपने पैसे बचाने हैं तो वीडियो देखें. मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ये एक्सेलेंस क्रीम हेयर डाई. ये बहुत अच्छा है घर पर हेयर डाई करने के लिए. और ये वाला शेड है 7.7 हनी ब्राउन. अब मैं बताती हूँ आपको कि इस बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं. इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है जी हमारे पास ये प्रोटेक्टिव सीरम. ये फर्स्ट स्टेप है. आपने इसको इस तरह हाथ पे निकालना है और अपनी जो टिप्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर दें, क्योंकि टिप्स जो होती है ना वो डैमेज होने का ज़्यादा ख़तरा होता है. इग्नोर. अच्छा, जो आपकी टिप्स है ना वो डैमेज ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से अपनी टिप्स पे लगाना है और बाकी आपने रूट्स में भी इसको थोड़ा सा फैला देना है. तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, इट्स अ प्रोटेक्टिव सीरम. उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास ये कलरिंग क्रीम. ये वाली हमारे पास क्रीम है और शेड आपको यहाँ पर उन्होंने मैंशन किया हुआ है, इट्स इन शेड 7.7. सेकेंड स्टेप में ये आ गया हमारे पास. और थर्ड स्टेप में हमारे पास आता है जी ये क्रीम डेवलपर. और साथ इसके आपको दो एप्लीकेटर मिलते हैं, एक तो ये निब वाला एप्लीकेटर है और इसके अलावा एक और एप्लीकेटर था और वो पता नहीं कहाँ गया, लिख के आती हूँ. अच्छा, तो इसके साथ दो एप्लीकेटर आते हैं, एक ये निब वाला एप्लीकेटर होता है और एक ये कॉम्ब एप्लीकेटर होता है. कॉम्ब एप्लीकेटर जब आप यहाँ पे टिप्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो आप कॉम्ब एप्लीकेटर से अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पे रूट्स पे अप्लाई करते हैं तो आप निब एप्लीकेटर से अप्लाई कर सकते हैं. फोर्थ स्टेप है, उसमें है हमारे पास ये कंडीशनिंग बाम. इसके साथ इस पैकेट में हमारे पास ये वाले ग्लव्स भी होते हैं ताकि आपके हाथों पे कलर नहीं लगे. और ये वाले जो दो ग्लव्स हैं वो आते हैं जी इसके साथ. मैंने अपने सारे बाल डाई करने हैं तो फुल लेंथ के लिए मुझे ये दोनों पूरी पूरी चीज़ें यूज़ करनी होंगी. ये दिया है जी मैंने अपने पाकिस्तानी होने का सबूत. जैसे टूथपेस्ट नहीं हम निकालते, वैसे मैंने इसको ऐसे ऐसे करके एक एक कतरा इसमें से निकाल लिया. मैंने हेयर कलर को ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए लगा के रखा है, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर दिया. आपने शैम्पू के साथ इसको वॉश नहीं करना है, आपने ऐसे ही सिंपल बालों को ऐसे धो देना है अच्छे से, दो तीन दफ़ा पानी निकालने ताकि जितना भी हेयर कलर है वो सारा अच्छे से निकल जाए. आपकी हेयर डाई निकल गई है ये मेक श्योर कर लेना आपने. उसके बाद आपने
ये वाला जो हेयर कंडीशनिंग बाम मैंने आपको दिखाया था ये पैकेट के अंदर ही होता है, ये आपने अप्लाई करना है और 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से मसाज करना है और अपनी रूट्स पे टिप्स पे अच्छे से इसको अप्लाई करना है। 2 या 3 मिनट के बाद आपने इसको भी धो देना है और उसके बाद अपने बालों को ब्लो ड्राई नहीं करें, एयर ड्राई होने दें, क्योंकि ब्लो ड्राई से बहुत ज़्यादा रफ सी लुक आएगी, फ्रिजी हो जाएंगे आपके बाल। तो मैं इनको अब एयर ड्राई होने दूंगी और एयर ड्राई होने के बाद मैं वापस आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का कलर आया है और मैं आपको स्टाइल भी करके दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं हमारे बाल स्टाइल होने के बाद। सो दैट्स इट फॉर द हेयर कलर वीडियो। और बालों को स्टाइल करने के बाद कुछ इस तरह के बाल लग रहे हैं। अभी मैं रिंग लाइट में शूट कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि जेट ब्लैक बाल हैं, तो आपको इतना खास पता नहीं चलेगा क्योंकि डार्क ब्राउन कलर का ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता चलता है सनलाइट के अंदर। अब मैं कैमरे को उठा के बाहर लेके जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि सनलाइट में ये वाला कलर कैसा आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा क्लोज होके देखें तो आपको बालों के अंदर ब्राउन जो शेड है वो बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। और अब मैं आपको दिखाती हूं कि सनलाइट में जो ये वाला कलर है वो कैसा लगता है। ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से A to Z डिटेल में सब गाइड कर दूं ताकि आप इजीली घर पर बैठ के अपना हेयर कलर कर सकें। मैंने आपको पूरी वीडियो में हेयर कलर भी बता दिया किस तरह से लगाना है, किस तरह से अपने वॉश करना है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि सनलाइट में किस तरह का लगता है कलर, और अगर आप इंडोर लाइट्स में हैं तो ये वाला कलर किस तरह का लगता है। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको किसी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों शोस्तों रिलेटिव्स कज़न सबके साथ शेयर कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके अलावा द लॉट ऑफ पीपल हु केप्ट ऑन आस्किंग मी, जो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करती हैं कि आप ही हमारे बाल ख़राब तो नहीं हो जाएंगे या फिर हम हेयर कलर करेंगे तो ये ना हमारे बाल उतरना शुरू हो जाएँ या हमारे बाल डैमेज हो जाएँ, फ्रीजी हो जाएँ। तो यार आपके सामने है, कुछ भी नहीं होता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप हेयर कलर एक अच्छा हेयर कलर लेते हैं और उसको आप जो उन्होंने टेक्निक्स आपको दी हुई हैं, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, आप उनको सामने रखते हुए अगर आप हेयर कलर लगाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी होता है। बालों को कट डाउन नहीं करें क्योंकि लिटरली बालों को कट डाउन करने से आपके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है, उनमें वो लाइफ ही नहीं रहती। तो बगैर कट डाउन के आप कोई भी कलर कर सकते हैं, वो आपके बालों के लिए डैमेजिंग बिल्कुल नहीं होगा। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और यहाँ पे हमारी आज की वीडियो होती है जी खत्म शुद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना, जो 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 कुछ भी हो सकता है आप लोगों से वो सब कर देना। और इस टाइम मेरे रूम की लाइट जा चुकी है और हमारा UPS ख़राब है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट में खड़े होके वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। And my hand is just shaking इसी तरह से, so you have to bear with me. Thank you so much for watching and I love you guys so much. खुदा हाफिज़।